बोल तो जी मैं हूँ व्यापारी, ठीक है जी, मैं हूँ हिंदू, मेरा कोई दूसरा ना धर्म ना कोई जात, मेरा पहला धर्म है हिंदू, ठीक है जी, मेरी पहले सेवा है मेरे देश के लिए, दूसरी मेरी माँ के लिए जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी सेवा मेरी माँ के लिए जी, मैं व्यापारी हूँ और आज मेरे को रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, और यहाँ मैं पूरी मार्केट का ना पानीपत हैंडलूम मिशन प्रधान हूँ मार्केट का, और आज हमने जब भी चुनाव हुए हमारे पास सारी पार्टी के लोग आते हैं जी, हमने हर पार्टी को परख के देखा है, मैं कहता हूँ जी मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं बीजेपी के सिवा किसी और को वोट नहीं दूंगा, अगर मैंने अपने देश में अपने बच्चों को हिंदू जिंदा रखना है तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, मैं कटोरा उठा के भीख मांग लूंगा, रिक्शा चला लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, वोट किसी और पार्टी को नहीं दूंगा जी। और सीएन और सीएफ के लिए कैसे? बिल्कुल सपोर्ट है जी, 100% सपोर्ट है जी, और हम हिंदुओं की ये बेवकूफी है जो हम कायर बन के घर बैठे हुए हैं, हमें तो होना चाहिए, इसके लिए आगे लगना चाहिए, जो लोग देश का गद्दार है वो कर रहे हैं इसका विरोध, और हम लोग बेवकूफ है, हम तमाशा बैठ के देख रहे हैं टीवीओ पे और सब कुछ, हमें चाहिए हम इसके हक में इसकी सपोर्ट में आगे आए, हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए जो विरोधी देश की ताकतें हैं ना, जो एक्चुअल में ये सारा जो सीएनआर के खिलाफ जो बोल रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी बोल रही हो, चाहे वो बोल रही हो ये क्या नाम ममता बनर्जी, ये सारे खुद हमारे देश में विदेशी आए हुए, इनको पता है इनको भागना पड़ जाएगा, ये अपनी रोटियां सेकने के लिए आम जनता को मूर्ख बनाकर उनको आगे ला रहे हैं, जबकि आम आदमी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यही वो जो विदेशी ताकते हैं, जो विदेश से आए हुए हैं, जिनको पता है देश छोड़ना पड़ेगा, वो हुल्ला कर रहे हैं, उनके साथ हम बेसूख। सही बात।